आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी के नेता लगातार जहां रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिजनौर के सिहारा क्षेत्र पहुंचकर एक रोड शो निकाला। आप सांसद संजय सिंह ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस यात्रा को लेकर आप सांसद ने रोड शो निकालते हुए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जहां किसानों का लगातार शोषण किया जा रहा है, तो वहीं चुनावी फायदा उठाने के लिए कृषि कानून बिल को भी बीजेपी की तरफ से वापस लिया गया। प्रदेश की जनता जहां महंगाई से त्रस्त है, तो वहीं बीजेपी रैलियों के जरिए जनता को लगातार लुभाने की कोशिश कर रही है। साथ ही आप सांसद ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी भले ही कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपराध इन्हीं की सरकार में देखने को मिल रहे हैं। पीलीभीत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को लेकर यूपी सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ है। इस दौरान सड़कें अधिकतर पूरी तरह से सुनसान मिली, तो वहीं कुछ लोग बाइक और कार से नजर आए जो अपने निजी कार्यों या बारातों से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान जगह जगह पुलिस भी तैनात नजर आई थी, तो नाइट कर्फ्यू का असर देखने के लिए मिल रहा है। पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कें पूरी तरह से सुनसान नजर आई, कुछ लोग पैदल जाते हुए, कुछ लोग अपने निजी वाहनों से यात्रा करते हुए नजर आए। बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और मारपिटाई शुरू हो गई। इस दौरान चाकू से भी हमला किया गया, जिसमें एक युवक के गले पर चाकू लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को स्थानीय लोगों और उसके परिजनों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे डॉक्टर्स ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। बलरामपुर का ये पूरा मामला, जहां पर मामूली विवाद पर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया, मारपिटाई में एक युवक को चाकू लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मामूली विवाद में दो पक्षों में खूब मारपिटाई हुई है, कहासुनी हुई, इसके बाद चाकू से भी हमला किया गया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस्माइल नाम का व्यक्ति जो थाने का एचएस है और जो हरैया तिराहे पर बिरयानी की दुकान लगाता है, उसके द्वारा पास में ही दुकान लगाने वाले रमेश, ननकौ, मोनू, मुल्ला आदि लोगों के साथ वाद विवाद किया गया, गाली गलौज की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब मौके पर दोनों परिवार के लोग इकट्ठे हो गए और भीड़ हो गई, तो इस्माइल द्वारा स्वयं अपने गले पर वार किया गया, जिससे उसके गले पर चोट आई है। इस्माइल को प्राथमिक चिकित्सा दिला दी गई है, मौके पर शांति व्यवस्था है, अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झगड़ा ये भवा की सुबह दुकानी वही गए, दुकानी गए अपने दुकानी पर रहे, वो अपने दुकानी पर रहे, का नाम है ओकर रमेश नाम है और लड़का का नाम हम नहीं जानी थन, रमेश सोनू ऐसा रहा। झगड़ा भवा तो कहीं की दोनों इनके दुकानी पर न जाए, काली एक दुकानी पर भैंसा काटा था। अच्छा, ऐसे बात बात में झगड़ा भवा जब मार दे 2 लाख रुपया देवे हम मार दे। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में एक होटल में दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति की उसी के साथियों ने हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीम गठित कर दी गई है, जो जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर सकती है। बिजनौर का एक पूरा मामला, जहां पर दिल्ली के युवक की हत्या हुई है, उसी के दोस्तों ने उसकी हत्या की ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, 3 टीमें गठित भी कर दी गई हैं। वहां से डिलीवरी न होने और उसके घर में मौत होने की सूचना दी गई, जो ड्राइवर ने बताया है। रूम नंबर 105 कान्हा होटल में आए, मृत अवस्था में सुबह पाए गए। दरवाजा जब खोलने का प्रयास किया गया, बाहर से दरवाजा बंद था, लगभग 1 बजे रूम खोला गया। उनके गर्दन में, हाथ में कटे के निशान हैं, मृतक अवस्था में है। पंचायत रामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली पहुंचे, जहां वो ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित जिला सहकारी बैंक की 96वें वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में शामिल हुए। वहीं इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाकर बैंक कर्मियों ने उनका स्वागत किया है। रायबरेली की तस्वीरें, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, सामान्य निकाय की बैठक में भी शामिल हुए हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जमकर स्वागत किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसके बाद सीएम योगी जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे और विशाल जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। इस दौरान सीएम योगी 554 करोड़ की लागत की 378 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि रामपुरखा खास विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 1980 से लेकर आज तक इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। इस सीट से 8 बार लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, अब उनकी बेटी सीट से विधायक है। वहीं रामपुरखास विधानसभा में 30 साल बाद सीएम का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र में सीएम योगी का संबोधन सुनने और उनको देखने के लिए लोगों ने जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा है और भारी भीड़ भी देखने के लिए मिल रही है। तो सीएम योगी की सौगात आज प्रतापगढ़ को मिलने जा रही है। 378 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम भी रखा गया है। अब से कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद प्रतापगढ़ में तहसील लालगंज ग्राम नया पूर्वा में आगमन है। कल 12 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का जनसभा का संबोधन और 378 परियोजनाओं जिनकी लागत 554 करोड़ है उनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है। उसके साथ ही जो जन विकास यात्रा चल रही है उसका भी यहां पर उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतापगढ़ जनपद में आगमन रहेगा और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटियां लगा दी गई है, सबकी ब्रीफिंग भी कर दी है। इसमें 2 एडिशनल SP, 10 CO और 70 इंस्पेक्टर, 300 सब इंस्पेक्टर और 600 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल्स रहेंगी। इसके अलावा 3 कंपनी PAC भी रहेगी। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहेगी और इसमें लगातार 12 चेकिंग फ्रिस्किंग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया फेफना विधानसभा के फेफना जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित किसान सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं करने वालों को पागल बताया। राधा मोहन सिंह ने अखिलेश और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि 2 राजकुमार जब किसान की बात करते हैं तो देश को शर्म आती है। सोनिया गांधी परिवार को अल्पसंख्यक बताया तो वहीं आगे कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार में देश के खजाने पर एक मजहब का अधिकार था, मोदी की सरकार में देश के खजाने पर किसानों का अधिकार रहा है और आगे भी रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे, एक आयोग बनाया किसान आयोग, और उस समय संसद में मैं भी था, मैंने सवाल किया था एक बार कि हम लोग को यूरिया के लिए लाठी काली पड़ रही है, असलू गैस के गोले छूट रहे हैं, यूरिया का रब कब मोतिहारी में जाएगा। सवाल मोतिहारी का तो मैंने पूछा था, लेकिन हालत देश भर का था, मैं भी था, पुराने लोगों को पता होगा। बलरामपुर के थाना महाराजगंज सराई क्षेत्र में ग्राम प्रधान राधेश्याम वर्मा की दिनदहाड़े हत्या किए जाने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान राधेश्याम वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वही पुलिस ने अभी हत्या के कारणों का खुलासा नहीं किया। अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकेगा कि गोली लगी है या किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बलरामपुर का एक पूरा मामला है जहां पर ग्राम प्रधान की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी पुलिस द्वारा यह कहा जा रहा है कि फिलहाल गोली चली है या किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है, ये कारण अभी पता नहीं चल पाए हैं। हमारी कोई रंजिश नहीं थी, हमारा कोई विवाद विवाद नहीं था, इसलिए हम लोग अपन जा रहे थे। प्रधानी के रंजिश से हमारे पिताजी प्रधानी जीते और उन लोग प्रधानी के रंजित से इनको कह रहे हैं कि मार डालो दोबारा प्रधानी हम ले। वो लोग प्रधान थे जी, पहले इससे पहले प्रधान थे, 5 साल के चुनाव भी लड़े थे जी, चुनाव लड़े थे, वो हार गए भारी बहुमत से, इसलिए सोचे इनको मार डालो, इन्हीं के नाम से चुनाव मतलब प्रमाण मांगेंगे फिर दोबारा चुनाव ले। इससे पहले उन्होंने कहा भी था। फरुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र में कमिश्नर और IG जोन कानपुर का काफिला जा रहा था, वहीं एक संदिग्ध युवक काफिले का पीछा करते देखा गया। युवक लगातार कार की छत से काफिले का वीडियो बना रहा था। बता दें कि 29 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा प्रस्तावित है, जिसके चलते कार्यक्रम को लेकर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर और IG प्रशांत कुमार तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। फरुखाबाद की तस्वीरें, कमिश्नर और IG जोन कानपुर का काफिला
कहीं ना कहीं इसका संदिग्ध एक पीछा करता हुआ नजर आया। सीएम के दौरे को लेकर तैयारी का जायजा लेने के लिए यहां पर आईजी और कमिश्नर पहुंचे हुए थे। 29 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का यहां दौरा है, लेकिन इस काफिले का एक संदिग्ध युवक पीछा कर रहा था। युवक लगातार कार की छत से काफिले का वीडियो बना रहा था। फरुखाबाद के कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि दबंगों ने मामूली विवाद के चलते लाठी डंडों से लैस होकर दलित के घर पर धावा बोल दिया और जमकर मारपिटाई की है। वहीं दबंगों की मारपीट से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दबंगों के खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी है, लेकिन हमलावर भीड़ के बीजेपी विधायक के करीबी होने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फरुखाबाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। दरअसल फरुखाबाद के कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दबंगों ने मामूली विवाद के चलते लाठी डंडों से लैस होकर दलित के घर पर धावा बोला और जमकर मारपिटाई की है। दबंगों की मारपिटाई से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दबंगों के खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन हमलावर भीड़ के बीजेपी विधायक के करीब होने के चलते उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। औरैया में विधुना विधानसभा में राहगीरों की उस समय हंसी छूट गई जब सपा के प्रचार वाहन से आए फिर योगी का गीत बजता सुनाई दिया। विधानसभा क्षेत्र में सपा का प्रचार प्रसार कर रहे वाहन में आएंगे फिर योगी का गीत सुनकर सपाइयों के चेहरे का भी भाव बदल गया और स्पीकर बंद कराए। लेकिन इससे पहले कुछ राहगीरों ने प्रचार वाहन का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। औरैया की तस्वीरें जहां पर सपा के प्रचार वाहन से योगी फिर आएंगे का गीत सुनते हुए राहगीर अपनी हंसी को नहीं रोक पाए, इसने वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आदरणीय अखिलेश जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने प्रचार वाहन के माध्यम से गांव गांव हमारा रथ चल रहा था। उस रथ पर बीजेपी के लोगों ने हमारे रथ पर जो डीजे चला रहा था उस लड़के को धमकाते हैं और धमका के बीजेपी खुद अपने मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं।